तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ राजवीर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ए आर वी। दोस्तों, ये जो स्कूटी मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये स्कूटी तकरीबन 15 साल पुरानी है। मतलब ये कि जब होंडा वालों ने नई स्कूटी लॉन्च की थी तो पहला मॉडल यही था, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं क्वालिटी की। तो वो यार, जो कस्टमर हैं जो ये गाड़ी मेरे पर लेके आए हैं सर्विस के लिए कराने लेके आए थे, और भी काम कराया गाड़ी में, कार्बोरेटर वगैरह चेंज किया था, गाड़ी एकदम मक्खन हो गई है। मैं स्टार्ट करके इसको सुना दिखाता हूँ आपको। ये देखो, फर्स्ट क्लास। जब मैं इसका रेस एक्सेलेटर, जब मैं इसका थ्रॉटल दे रहा हूँ ना, तो उसमें 1% भी वाइब्रेशन नहीं है, मतलब एकदम परफेक्ट। आगे का पूरा सस्पेंशन, बॉडी वॉडी एकदम फुल्ली टाइट, एकदम बढ़िया। और अगर परफॉर्मेंस बात करें या चलाने में, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा। ये जो गाड़ी है, ये और अभी जो एक्टिवा आ रही है, वो दोनों के कंपेरिजन में आपके हिसाब से कौन सी एक्टिवा आपको ज़्यादा बढ़िया लगी, ये या जो अभी आ रही है वो? देखो यार, अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे तो भाई ये एक्टिवा ज़्यादा अच्छी लगी है। अब ये एक्टिवा आप सोच रहे हो यार, ये 15 साल पुरानी एक्टिवा है और ये चलेगी कहाँ से रोड पर? तो बता देता हूँ, ये 15 साल पुरानी एक्टिवा जो है, ये पूरे टोटल जो इसका मतलब आने वाले एक्सपायरी डेट है, वो टोटल है 30 ईयर्स, 30 साल की, क्योंकि 15 साल और एक्सटेंड करा दिया कस्टमर ने। इसका नंबर प्लेट का बड़ा झोल था, नंबर प्लेट को लेकर बड़ी टेंशन थी, क्योंकि भैया को बड़ी दिक्कत थी। तो नंबर प्लेट भी इसकी चेंज हुई है, भैया ने चेंज कराया। कैसे, क्या प्रोसेस है, तो वो तो भैया ही बताएंगे। तो बुलाता हूँ इन भाई को और पूछता हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपको लगता है जाननी चाहिए, और इस स्कूटी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो भैया आइए और बताइए कुछ। और भैया कैसे हो आप, पहले तो ये बताइए। बढ़िया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे कि ये जो स्कूटी है आपके पास है, तकरीबन आप इसको 15 साल से चला ही रहे हो, आपने पहली बार खरीदी थी, तो आपने जब 15 साल पुरानी ये स्कूटी हो गई, तो आपने इसका कितना खर्चा हुआ, जो आपने इसका जो है एक्सटेंड कराया, इसको कितना खर्चा कराया तकरीबन आपने? जैसे नंबर प्लेट चेंज करवाए थे, 2600 रुपये लिया था। नंबर प्लेट चेंज कराने में 2600 रुपये। तो इससे पहले कौन से नंबर थे इसके? जो पहले हम चलते थे, मतलब स्ट्रॉन्ग तो था लेकिन बैन कर रखा था भारत सरकार ने। अच्छा, तो अच्छा, भारत सरकार ने बैन कर दिया था, इसीलिए उन्होंने नंबर चेंज करा दिए। तो वो नंबर इजीली चेंज हो गया या बहुत ज़्यादा मत्थापेची करनी पड़ी? नहीं, बहुत आसानी से हो गया, मतलब बहुत आसानी से हो गया। ओके, उसके अलावा 2600 रुपये लगे उसमें है। ओके, उसके अलावा ये जो गाड़ी है, इसको आपने 15 साल और एक्सटेंड करा दिया, तो आप इसमें कितना खर्चा आया आपका? इसमें मेरा 6000 रुपये। 6000 रुपये खर्चा आया आपका टोटल। आगे अब ये 2024 तक चलेगी, मतलब है ना। अच्छा, एक बात और बताइए, जो ये गाड़ी है एक्टिवा है आपकी, पुरानी गाड़ी है काफ़ी ज़्यादा, इसकी क्वालिटी और अभी जो एक्टिवा आ रही है उसकी क्वालिटी, दोनों में से आप किसको प्रेफर करना चाहोगे? अगर आप दोबारा ये लॉन्च हो जाती है बाई चांस, तो ये लोगे आप दोबारा, या जो नई एक्टिव आ रही है BS6 में हमने हाई टेक्नोलॉजी दे रखी है वो लोगे आप, कौन सी दोगे? सर मैं तो यही लूंगा, मतलब यही लोगे। इसको क्यों लोगे, इसका ऐसा क्या रीजन है जो ये लोगे? जो गाड़ी आ रही है बहुत हल्की क्वालिटी में आ रही है, उसमें कुछ मटेरियल नहीं डाल रखा है, ये जो पहले की है वजनदार गाड़ी और माइलेज। अच्छा हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल आप सही बोले। इस गाड़ी को मैंने चलाया भाई साहब, इसकी जो क्वालिटी है रोड से चिपक के चल रही है, एकदम अलग ही मजा आ रहा है इसको चलाने में। मतलब ये इसका बैलेंस भी नहीं बिगड़ता, चाहे आप चाहे कितनों भी भीड़ में चला रहे हो, ये गाड़ी दब के चलती है, रोड में अच्छी से चलती है, इसलिए मेरे को पसंद आता है चलाने में। ओके ओके भाई, ये बात तो बिल्कुल मैंने भी एकदम सही तरीके से जानी है। ये गाड़ी जो है बेशक मैं मानता हूँ थोड़ा सा ओल्ड वर्जन लगता है बाबा आदम के ज़माने का, बट जो एक प्रॉपर तरीके से चलाने का जो मज़ा होता है, वो मज़ा इसमें मिल रहा है। हाँ, स्कूटी चला रहे हैं कुछ लग रहा है कि हाँ कुछ चला रहे हैं, बट नई वाली स्कूटी जो है उसमें आपने वो चलाई है वैसे स्कूटी आपने, तो वो आपने उसमें क्या क्या कमी लगी, जैसे कि हाँ क्या है ये कमी है? माइलेज तो थोड़ा सही है, पर वो हल्की गाड़ी है, कई बार बैलेंस बिगड़ जाता है, बहुत सारी समस्या आता है कस्टमर। अभी जो सर्विस वाला है वो बहुत प्रॉब्लम देता है, कोई भी कंपनी ढंग से सर्विस नहीं करता है। ओहो, ये बात भी सही है। और अच्छा, एक बात, इसकी माइलेज कितनी निकल जाती है गाड़ी के? अभी ये पहले तो 40 निकलती थी माइलेज इसका जो पुरानी। अच्छा अच्छा अच्छा, और अभी मतलब वो 40-45, मतलब ये 40-45 देती है, 15 साल पुरानी गाड़ी भी 40-45 की एवरेज दे रही है, तो और क्या चाहिए? वैसे भी जो नई गाड़ी आ रही है वो भी इसी के आसपास एवरेज देती है, बट यार फिर भी इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, पिकअप के मामले में, ओवर RPM के मामले में, ठीक है, और एक वाइब्रेशन के मामले में, एक वजनदार गाड़ी है, ठीक है। तो आपका क्या कहना है, आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप अगर इस गाड़ी को लोगे या नहीं लोगे, क्योंकि इसके अंदर अभी कार्बोरेटर का काम किया और सर्विस कॉस्ट भी बहुत कम पड़ जाती है इसकी। नॉर्मली अगर बात की जाए तो देखो, BS6 गाड़ी में जो इन्होंने थ्रॉटल बॉडी दी है, फ्यूल पंप दिया है, ये सब नाम झाम, ये वो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई एडवेंचर मतलब गाड़ी में आ गए हैं, फिटमेंट हो गए हैं। इसके मुकाबले में अगर मैं इसको बोलूँ तो ये बहुत सिंपल सटीक गाड़ी है, चाबी ऑन करो, सेल्फ मारो, मक्खन की तरह काम करती है, और ज़्यादा भी मतलब वो खर्चा नहीं है इसके अंदर। होता ना जैसे कि अरे यार ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल वे में आराम से बंदा सर्विस करा लेगा गाड़ी की। अगर आपके घर में कोई ऐसी बाइक है या स्कूटी है जो बहुत टाइम पुरानी है, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको उसको रीस्टोर कराना है, ऐसा कुछ कराना है, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, एड्रेस है, आप मेरे को बता सकते हो। बाकी उसके अलावा ये जो गाड़ी है,
ये सर्विस पे आई थी तो इसकी सर्विस करी है, और पिछली बार भी सर्विस पे आई थी, सेकंड सर्विस आई है मेरे पास ये, तो कर रहे हैं भाई एकदम बढ़िया तरीके से करके दिया, मस्त एकदम मक्खन की तरह। बाकी हमारे काम से सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? एकदम मस्त, कोई दिक्कत? इतना दूर से आया हूं मैं। अच्छा, आप आए कहां पर? आए कहां से हो आप? सोना रोड से आया हूं सर। सोना रोड से आए हो, यहां से कितनी दूर है? किलोमीटर है? एक घंटे दो घंटे? एक घंटे में मतलब पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर आप आने का आपका फायदा हुआ, मतलब लगता है आपको कुछ? हमारा व्यवहार कैसा लगा आपको? सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है? हमारा बैठने का एरिया, काम करने का तरीका, लड़कियों का, लड़कों का जो स्टाफ होता है वो कैसा लगा? बढ़िया काम करना। बाकी देखो भाई, हमारे काम की पूरी जिम्मेदारी है। मेरा मतलब ये सर कि आपके जैसा का हर जगह मैकेनिक गुड़गांव में फैल जाना, तो आजकल जितने कस्टमर परेशान हो रहे हैं, वो परेशान होना बंद हो जाए। ये तो भाई ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि, पर क्या करें, आप गुड़गांव में भी आप खोलो तो बहुत अच्छा रहेगा। गुड़गांव में जॉब, गुड़गांव में शॉप जो है भाई खोलने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि भाई आपको पता ही है अभी एक शॉप है। देखो यार, होता है ना, दो हाथ में लड्डू अच्छे नहीं लगते, एक हाथ का लड्डू सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो उसी को ज़्यादातर केयर करो। तो अभी तो मेरे एक हाथ में लड्डू, वही मेरे लिए काफ़ी है। बाकी मैं कोशिश कर सकता हूँ फ्यूचर में, अगर आप लोगों का प्यार मिला और मोहब्बत मिली तो। बाकी मिलते हैं अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसकी ट्राई लेते हैं और चेक करते हैं, थोड़ी सी वाइब्रेशन वगैरह चेक करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें चेक करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।